नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी ओनर के डिवाइस पर यदि आपको फिंगरप्रिंट सेटिंग करना है तो दोस्तों कैसे कैसे सेटिंग आपको मिलेगा। तो ये सभी दोस्तों बातें आज के इस वीडियो पर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग पर जितने भी सेटिंग है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो तो दोस्तों मैं आपको समझा के यहाँ पर दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यदि दोस्तों आपको पता नहीं है कहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट है वो सब है, लॉक सेटिंग्स, ठीक है, क्या क्या आपको मिलेगा, तो पूरा कंप्लीट यहाँ पर दोस्तों सेटिंग जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे तरफ से जो है लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है आपके यहाँ जो सेटिंग है उसमें। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा आपका फिंगरप्रिंट आईडी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये सब आपका फिंगरप्रिंट सेटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप उसमें जाके फिंगरप्रिंट को मैनेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाइए और दोस्तों देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप अनलॉक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट को, फिंगरप्रिंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप एक्सेस सेफ का जो सेटिंग ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेस ऐप लॉक, तो ये सब दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी कि एक्सेस ऐप लॉक यानी दोस्तों आपका जो लॉक है उसमें भी दोस्तों ये काम करने के लिए, ठीक है, फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों आप इसमें से भी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं टच एंड होल्ड टू टू टेक फोटो वीडियो, ठीक है। आप दोस्तों फिंगरप्रिंट जो सेंसर है उसका काम के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों यदि आप फिंगरप्रिंट सेंसर से जो है फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस बटन को इनेबल कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों आते हैं नीचे आंसर कॉल, तो टच एंड होल्ड अ फिंगर सेंसर टू आंसर ए कॉल। तो आपको दोस्तों यदि कोई भी कॉल को आंसर करना है फिंगरप्रिंट सेंसर से, तो उसके लिए दोस्तों आपको ये सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आंसर कॉल, ठीक है। तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर से कॉल भी पिक कर सकते हैं, अलार्म स्टॉप भी कर सकते हैं, आप नीचे में देख सकते हैं। तो ये बटन को इनेबल करना होगा दोस्तों, ठीक है। यदि आप इस बटन को इनेबल करते तभी ये फीचर काम करेगा, वरना दोस्तों काम नहीं करेगा, ठीक है। इनेबल करना है, उसके बाद आपका जो यहाँ पर सेटिंग्स है वो हो जाएगा। तो उसके बाद आते हैं शो नोटिफिकेशन पैनल्स, तो स्लाइड डाउन ऑन फिंगर नोटिफिकेशन शो, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप इसको यूज़ करते हैं और फिंगरप्रिंट सेंसर के जो पीछे में है उसमें दोस्तों यदि आप स्लाइड डाउन करते हैं तो आपका ये खींचता चला आ जाएगा नीचे में, ठीक है, जो कि सैमसंग के फ़ोन पर भी आपको मिल जाते ये ऑप्शन। तो ये दोस्तों इसके लिए सेटिंग है, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसको ऑन कर दिया, अभी दोस्तों आप जो है फिंगरप्रिंट सेंसर पर अपना उंगली रखिए और उसके बाद इसको स्लाइड डाउन कीजिए, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल है वो नीचे गिर जाएगा, तो इसके लिए यह सेटिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं ब्रोस फोटो, ठीक है। व्हेन व्यूइंग फोटो स्वाइप लेफ्ट और राइट ऑन द फिंगरप्रिंट सेंसर टू स्विच द प्रीवियस और नेक्स्ट फोटो, तो ये भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो आप दोस्तों यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट के जो सेंसर है उसके मदद से फ़ोटोज़ को लेफ़्ट और राइट भी आप गैलरी पर जो है उसको क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट में ले सकते हैं या तो फिर आप प्रीवियसली बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटोज़ को आप नेक्स्ट में भी देख सकते हैं, प्रीवियस फ़ोटो भी देख सकते हैं स्लाइड करके, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर का सेटिंग यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही है सेटिंग। तो मुझे उम्मीद है आपको सब सेटिंग जो है समझ में आ गया होगा क्या क्या सेटिंग है। तो मुझे तो दोस्तों सेटिंग बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको दोस्तों कौन सा सेटिंग यहाँ पर अच्छा लगा है हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। यदि आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।